एक ट्रक कसरावत मेला ग्राउंड के पास कसरावत से इंदौर रोड की तरफ जा रहा था। अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे को तोड़ता हुआ एक मकान में जा घुसा। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई, मगर मकान में घुसने से मकान मालिक के मकान का करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ट्रक जो कि राजस्थान का बताया जा रहा है। घटना रात की थी, मकान मालिक बाल बाल बचे। मकान मालिक पप्पू कर्मा ने बताया कि कुछ देर पहले ही हम घर पर काम कर रहे थे और ठंड की वजह से काम बंद करके हम घर में सोने की तैयारी में थे। इतनी देर में जोर से आवाज आई जब लाइट चालू थी। 13 kV बिजली के खंभे के तार भी मकान के ऊपर गिरे, लेकिन गनीमत रही कि हमें जान की नुकसानी नहीं हुआ। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या मामला था दादा ये एक्सीडेंट वाला? भैया ये मामला था करीब रात के 12 से 1 बजे का बीच का मामला है ये। और इधर ये ट्रक वाला उधर से आ रहा था और वो जज साहब हमारे पड़ोस में, इनके यहाँ बिजली का पोल था, उससे ठोकते हुए हमारे मकान पे आया ये और हमारे मकान का भी नुकसान कर दिया। कौन सी बिजली थी ये? ये 33 kV बिजली, बड़ी लाइन है साहब। कितनी दूरी पर ये पोल को लिया है ट्रक? वो घिसते लाया पोल को ये करीबन 100-125 फीट से। इसमें कोई नुकसान वगैरह या कोई जनहानि वगैरह? नुकसान तो हुआ है पर जनहानि नहीं हुई है। नुकसान लगभग कितना हुआ है? नुकसान हमारा हुआ है कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परमानंद हत्तू जी विश्वकर्मा। कहाँ के निवासी हो? कसरावत के, मेला ग्राउंड कसरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।